दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी की स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे हम में से बहुत से लोग इस कंपनी को जानते ही हैं और कभी ना कभी इसके थिएटर्स में कोई ना कोई एक मूवी तो जरूर देखी ही होंगी। मैं बात कर रहा हूँ पीवीआर सिनेमा की, जिसे भारत में किंग ऑफ मल्टीप्लेक्स कहा जाता है। और इन सब की सफलता के पीछे कोई और नहीं बल्कि पीवीआर के सीईओ और एमडी मिस्टर अजय बिजली हैं, जिन्हें हम में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों अजय बिजली की इंस्पायरिंग स्टोरी को शुरू से जानते हैं। अजय बिजली का जन्म 9 फरवरी 1967 में दिल्ली के एक अच्छे परिवार में हुआ। उनके पिता कृष्णमोहन बिजली ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक थे और उनके बहुत से ट्रक चला करते। इनकी फैमिली में ज्यादातर खुद के बिजनेस रन करते थे, इस वजह से परिवार में कभी पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती। इनके पिता फिल्मों के शौकीन थे और साइड बिजनेस के तौर पे एक सिनेमा थिएटर्स खरीद रखा था जिसका नाम प्रिया सिनेमा था। अजय का ज्यादातर टाइम यहीं बीतता, वो दोस्तों के साथ खूब फिल्में देखा करते। अजय की स्कूलिंग दिल्ली से हुई और हिंदू कॉलेज से आर्ट्स एंड हॉनर्स में एडमिशन ले लिया और यहाँ पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल चले गए, जहाँ उन्होंने ऑनर मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करी और वहीं पे कुछ टाइम के लिए जॉब करने लगे। लेकिन यहाँ मन न लगने के कारण इंडिया वापस चले आए और अपने पिता के साथ फैमिली बिजनेस को बढ़ाने में लग गए। इन सब से उनके पिता बहुत खुश थे क्योंकि अब उनका सारा काम उनका बेटा संभाल रहा था और उनकी जिम्मेदारी भी कम हो रही थी। कुछ ही सालों बाद अजय इस कंपनी को अच्छी खासी ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली। लेकिन अजय अब इससे भी बड़ा और कुछ अलग करना चाहते थे। इसी बीच उनकी नज़र बसंत विहार में बंद पड़ी थिएटर पे पड़ी, जो 90 के दशक तक तो ठीक थी पर अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी। अजय ने इसे फिर से स्टार्ट करने का फैसला किया और अपने पिता से बात कर प्रिया सिनेमा में फिल्में चलाना शुरू भी कर दिया। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं था पर अजय के पिता मान गए। अजय अब अपने थिएटर्स में हॉलीवुड मूवीज चलाना चाहते थे, पर इसके लिए उन्हें अच्छी स्क्रीन, हाई क्लास इंटीरियर और अच्छे सिस्टम के साथ साथ अच्छे से अच्छे स्टाफ और लोगों की जरूरत थी, जो सब कुछ मैनेज कर सके और व्यूअर्स को अच्छा फील कराए। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि अचानक 1992 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी अजय पर आ गई। एक तरफ ट्रांसपोर्ट तो दूसरी ओर उनका प्रिय सिनेमा था, जिसे वो एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद के कगार पे आ गई। अब अजय के पास प्रिय सिनेमा ही बचा था। दोस्तों आपको बता दूं, अजय बिजली न ही फिल्म इंडस्ट्री को जानते थे और न ही उनके पास फिल्मों का कोई एक्सपीरियंस था। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने मेहनत के दम पर प्रिया सिनेमा को अच्छी खासी पोजीशन पे ला खड़ा किया। आइनोक्स, मैकडोनाल्ड्स और आर्चिस जैसी कंपनियां उनके सिनेमा में आउटडोर्स खोलना चाहती थी। अब उनका प्रॉफिट और भी बढ़ गया, लेकिन अजय बिजली इसे और बढ़ाकर मल्टीप्लेक्स का रूप देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जॉन क्रॉकफोर्ड से हाथ मिला लिया, जो विलेज रोड शो के ऑनर थे। इस तरह प्रिया सिनेमा और विलेज रोड शो बन गया पीवीआर, जिसमें 60% शेयर प्रिया सिनेमा के और 40% शेयर विलेज रोड शो के थे। उन्होंने अपना पहला वेंचर 1997 में साकेत की ओल्ड अनुपम सिनेमा में पीवीआर अनुपम नाम से खोला, जिससे लोगों ने खूब पसंद भी किया। ये भारत की पहली मल्टीप्लेक्स थी जिसमें 4 स्क्रीन थे। पीवीआर कंपनी अब जम चुकी थी, जिसमें आईसीआईसी बैंक ने भी 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करा। लेकिन 2013 में किसी कारण से विलेज रोड शो ने पीवीआर से हटने का फैसला कर लिया, पर अजय बिजली को इन सब से कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पे सिनेमैक्स को 400 करोड़ रुपए में खरीद लिया और किंग ऑफ मल्टीप्लेक्स बन गए। इसके बाद उन्होंने 2016 में डीएलएफ के डीटी सिनेमा को भी खरीदा। इन सब से अब वो मल्टीप्लेक्स के बादशाह बन गए। आज उनके 132 शहरों में 700 से ज्यादा मल्टीप्लेक्स है, जो व्यूअर्स को फिल्मों को देखने का अलग ही मजा देता है और इनकी इनकम 1000 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा हो गई है। एंड गाइस, लास्ट में सिर्फ इतना ही कि अगर आपको ये वीडियो हल्का सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ आता रहता हूँ।